अजीत अंजुम, योगेंद्र यादव, ये दीपक कुमार, अब वो 4 PM वाला तो गायब है आज। एग्जिट पोल दिखा रहा है बीजेपी 350 सीट पा रही है, और ये अभी बहस कर रहे हैं। संदीप चौधरी जैसे लोग अपने को अकलमंद समझते हैं, इनको इतनी भी समझ नहीं है, गूढ़ बुद्धि इतनी भी समझ नहीं है कि इलेक्शन पॉलिटिकल चीज होती है, आंकड़ों से नहीं होती है। ये इतनी सीट ये ले गया, उतनी सीट ये ले गया। मोदी इजराइल अमेरिका के सामने सरेंडर कर गया है, उसको लोगों ने पहली बार समझा है इस चुनाव में। इस चुनाव में राम मंदिर रिजेक्ट हो गया, हिंदुत्व रिजेक्ट हो गया। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैं चैलेंज करता हूं, अयोध्या से बीजेपी हार रही है, बनारस से मोदी की सीट खतरे में है, पूरे पूर्वांचल में इंडिया स्वीप कर रही है। 280 से 305 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेगी। एनडीए जो है वो पीछे रह जाएगी, उसको वो सरकार नहीं बनाएगी। तो कह रहे हैं बंगाल में बीजेपी आगे, अरे कहां से आगे यार? तुम लोग मतलब दिमाग है कि घास चरने चला गया? मोदी जी का करिश्मा नहीं है, मोदी जी झुंझुना इलाके रहे गए, कोई पूछने वाला नहीं आज की तारीख में। बनारस में गालियां पड़ रही थी, मैं बनारस में था, मनोज तिवारी वहां प्रचार करने आया था नरेंद्र मोदी का, गालियां पड़ रही थी उसके मुंह पे। किसी भी बीजेपी के आदमी से, बीजेपी के नेता से पूछ लो जो सही में पॉलिटिकल है, वो खुद ही तुमको बता देगा कि ये आंकड़े फर्जी हैं, सब साले झूठे हैं। मैं आपको आगाह करता रहा कि रविश कुमार सही नहीं है, योगेंद्र यादव सही नहीं है, अजीत अंजुम सही नहीं है। रविश कुमार पॉलिटिकल नहीं है, अपना पकड़ पकड़ क्या बोलते कुछ समझ नहीं आता है, पॉलिटिकल आदमी है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसू की रोहू की गुस्सा हो कि क्या करूं, ये अपने देश के बुद्धिजीवियों को क्या हो गया है? अरे एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी को छोड़ो, अजीत अंजुम, योगेंद्र यादव, ये दीपक कुमार, अब वो 4 PM वाला तो गायब है आज। एग्जिट पोल दिखा रहा है बीजेपी 350 सीट पा रही है, और ये अभी बहस कर रहे हैं। संदीप चौधरी जैसे लोग अपने को अकलमंद समझते हैं, इनको इतनी भी समझ नहीं है, गूढ़ बुद्धि इतनी भी समझ नहीं है कि इलेक्शन पॉलिटिकल चीज होती है, आंकड़ों से नहीं होती है। ये इतनी सीट ये ले गया, उतनी सीट ये ले गया, राजनीतिक चीज होती है। 2014 में राजनीतिक मामला था, कांग्रेस विरोध जो मोदी को पावर में लाया, 2019 में राजनीतिक मामला था, पुलवामा बालाकोट और एक जो राष्ट्रवाद झूठे ही सही, लेकिन एक राजनीतिक मामला था। अभी राजनीतिक मामला क्या है ये नहीं समझ पा रहे हो? अभी राजनीतिक मामला ये है कि संविधान की बात, रोजगार की बात, महंगाई की बात, पूरे जो भारत जिस रास्ते पे जा रहा है, जिस आर्थिक राजनीतिक रास्ते पे जा रहा है, पूरा जो कर्जे में डूबा हुआ है, मोदी इजराइल अमेरिका के सामने सरेंडर कर गया है, उसको लोगों ने पहली बार समझा है इस चुनाव में कि हमारे देश में हमें अपनी अर्थव्यवस्था चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हम ये मोदी के कोरे बोल नहीं चाहिए। राम मंदिर इतना बड़ा रिजेक्ट हो गया इस चुनाव में, राम मंदिर रिजेक्ट हो गया, हिंदुत्व रिजेक्ट हो गया। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ये अभय दुबे की बात मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इनके अकल को क्या हो गया, रविश कुमार के अकल को क्या हो गया, ये सामने नहीं आ रहे, हिम्मत नहीं इनकी। मैं चैलेंज करता हूं, अयोध्या से बीजेपी हार रही है, और मैं अपना एग्जिट पोल आपको दे रहा हूं, वो एग्जिट पोल सही है, अयोध्या से बीजेपी हार रही है, बनारस से मोदी की सीट खतरे में है, पूरे पूर्वांचल में इंडिया स्वीप कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में एनडीए जो बीजेपी 40 से कम आ रही है, आप देख लीजिएगा 40 से कम आएंगी, 40 सीटें इंडिया अलायंस की आ रही है, 40 सीटें एनडीए की आ रही है, उससे बल्कि उससे कम होंगी। बिहार में जो इंडिया यूपी में 80 सीटें, बिहार में 40 सीटें, और बिहार की 40 सीटों में से कम 25 से 30 सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है, सरकार इंडिया अलायंस बना रही है, सीधी बात है। हमारा आंकड़ा देखिए यह है कि इंडिया अलायंस को हम मोटा मोटी आपको बता रहे हैं, इंडिया अलायंस को 280 से 305 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेगी। बीजेपी को और एनडीए को, एनडीए कहीं ना देखिए 285 से 305, ये आपको 280 से 305 ये इंडिया अलायंस लाएगी, सरकार बनाएगी। एनडीए जो है वो पीछे रह जाएगी, उसको वो सरकार नहीं बनाएगी। और ये जो 285 और 305 का आंकड़ा है,
इसमें कांग्रेस की कम से कम 120 से लेकर 128 सीटें रहेंगी, बाकी सीटें इंडिया जो एक जो गठबंधन बना हुआ है, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, आरजेडी वहां पर, बिहार में शिवसेना और शरद जो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट, शरद पवार गुट महाराष्ट्र में, इस तरह के जो सॉलिड अलायंसेस बने हुए हैं इनकी सीटें बढ़ेंगी। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो टीएमसी जीतेगी बंगाल में, लोग कह रहे हैं बंगाल में बीजेपी आगे, अरे कहां से आगे यार, तुम लोग मतलब दिमाग है कि घास चरने चला गया। पॉलिटिक्स में ये पॉलिटिकल चीज है, ये मैथमेटिकल नहीं है, ये मोदी जी का करिश्मा नहीं है, मोदी जी झुंझुना हिलाते रहे कि कोई पूछने वाला नहीं। आज की तारीख में बनारस में गालियां पड़ रही थी, मैं बनारस में था, मनोज तिवारी वहां प्रचार करने आया था नरेंद्र मोदी का, गालियां पड़ रही थी उसके मुंह पे। हरियाणा में क्या, हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया जीत रही है, तो एक दो इधर उधर रह जाए अलग बात है, 10 की 10 सीटें इंडिया जीत रही है। आप देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं 285 से 305, क्योंकि मैं किसी प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा हायर नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैंने पॉलिटिकल मूड देखा है, पोलिंग पॉलिटिकल मूड से होती है। किसी भी बीजेपी के आदमी से, बीजेपी के नेता से पूछ लो जो सही में पॉलिटिकल है, वो खुद ही तुमको बता देगा कि ये आंकड़े फर्जी हैं, सब साले झूठे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं इसमें देखिए, अभी क्या है ना कि ये जो लिबरल, मैं आपको आगाह करता रहा कि रविश कुमार सही नहीं है, योगेंद्र यादव सही नहीं है, अजीत अंजुम सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, मतलब कि ये बीजेपी से मिले हैं कि नहीं वो मैं नहीं जानता, वो मैं कह भी नहीं रहा हूं, लेकिन ये लोग अपने दिमाग में पॉलिटिकल लोग नहीं है। जो पॉलिटिकल आदमी नहीं है उसको इस सब में पढ़ने ही नहीं चाहिए। रविश कुमार पॉलिटिकल नहीं है, अपना पकड़ पकड़ क्या बोलते कुछ समझ नहीं आता है, पॉलिटिकल आदमी है, उसको कभी उसको आपने राजनीतिक बात करते सुना है? बीजेपी की आलोचना एक अलग चीज है, उसका तो एक बाजार भी है, तो लोगों की दुकान उससे चलती है, लेकिन कभी राजनीतिक बात करते सुना है कि ये राजनीतिक मुद्दा जहां बीजेपी फंस गई है, इसके अब इससे कैसे निकलेगी, चुनाव पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, कभी इस तरह की बात सुनी आपने? मैं आज से आपसे खुल के दिल की बात कर रहा हूं, खुल के दिल की बात कर रहा हूं। मैं फिलिस्तीन के मसले पे बिल्कुल सही, आपने देखा है कि मैं एक एक चीज मेरी सही हुई है, और मैं इसमें आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, 4 जून को इंडिया की सरकार बन रही है 285 से 305 सीट के बीच में। एनडीए की क्या स्थिति होगी? एनडीए जो है वो पीछे रह जाएगा, वो 220 से लेकर 240 में निपट जाएगा, 220 से लेकर 240 में निपट जाएगा। उसके बाद जो अन्य पार्टियां हैं, जो ना एनडीए में है ना इंडिया में, यानी नवीन पटनायक जैसे है उड़ीसा में, या जगन रेड्डी है आंध्र प्रदेश में, उनकी सीटें आएंगी। ये फाइनल आंकड़ा है, 285 से 305 इंडिया और 240 से 260 एनडीए, क्लोज फाइट है। वोट परसेंटेज भी आप देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन का जो टोटल, क्योंकि देखिए बात क्या है, मैं आपको बताऊं बात क्या है, चक्कर यह है कि इंडिया गठबंधन इस बार का इलेक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस मामले में है कि आप पेपर पे देखेंगे कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें 285 सीटें कांग्रेस लड़ रही है और बाकी 181 सीटें बाकी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल वगैरह, उन सबको मिला के 466 सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि इन 466 सीटों में पंजाब की 13 सीट नहीं है जहां आप और ये कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यहां पर बंगाल की जो 42 सीटें वो नहीं है जहां पर टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हालांकि टीएमसी का गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है, यूपी में एक सीट तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर लड़ रही है, और ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये आप सिफोलॉजी में और इस तरीके से मतलब ये जो बकलोली हम कहते हैं, इस तरह से बकलोली करने से आप इस तरह के कॉम्प्लिकेशन को ओवरराइड कर देंगे। इसके बारे में संदीप चौधरी नहीं बोल रहे हैं, गोदी मीडिया तो छोड़िए, अमीश देवगन ये सब तो बिके हुए हैं, ये तो हमारा चौरसिया और ये जो एक वो जो पागल अर्णव गोस्वामी, ये सब तो बिके हुए हैं। और ये अच्छा हाँ, दो तो ये प्रदीप सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बिल्कुल दलाल, ये जो इसको ना दलाल जिसको कहते हैं, बिल्कुल प्योर दलाल। अब मुंह पे कह रहा हूं, हिम्मत हो तो कुछ हमारे सामने आके बहस करो। आप ये देखिए कि 466 सीटों पे इंडिया लड़ रहा है
और उसके बाद अगर आप सीटें जोड़िए, जिन सीटों पे टीएमसी है, जिन सीटों पे बाकी ऐसी इंडिया की फोर्सेस हैं जो कुछ जगह कांग्रेस के साथ अलायंस में है, कुछ जगह नहीं है, वो मिला के हो जाता है करीब 525 और एनडीए लड़ रहा है 540। इस पूरी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में एग्जिट पोल, इनका सो पोल कह रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी को 25 सीटें आएंगी, कांग्रेस को 2 या 3 सीटें आएंगी। मैं आपको बताता हूं कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में 15 से 20 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है, कांग्रेस अकेले जीत रही है, 7 से 8 सीटें केवल बीजेपी के हिस्से आ रही है। महाराष्ट्र में सही स्थिति यह है कि 30 से 35 सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है, 15 सीटों से ज्यादा एनडीए की नहीं आ रही, मतलब 13 से 15 आप कह लीजिए। बिहार में यह स्थिति है कि करीब 25 से 30 सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है, 10 सीटें एनडीए से उससे ज्यादा नहीं आ रही है। बंगाल में स्थिति यह है कि बीजेपी 18 से कम होकर 12 हो रही है, 12 आप देख लीजिएगा, 12 सीटें हो रही हैं, और उनका जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी करीब 26 से 27 सीटें आ रही है, कांग्रेस और लेफ्ट की भी कम से कम 2 से 3 सीटें बंगाल में आ रही हैं। उड़ीसा अकेला राज्य है जहां पर बीजेपी ने कुछ गेन किया है, 8 सीटें थी पहले, वहां पर उसने करीब 21 सीटें हैं, तो उसमें करीब वो 12 से, मतलब मेरा अनुमान है 12 से 14 सीटें या 16 भी हो सकती हैं वहां पर है। आंध्र प्रदेश में जो फायदा हो रहा है वो तेलुगु देशम को हो रहा है, बीजेपी तो केवल 6 सीट पे लड़ी 25 में से, तो उसको क्या फायदा होगा आंध्र प्रदेश में, आप बताइए, उसको 2 या 3 सीटें आएंगी वैसे भी। और चंद्रबाबू नायडू किसके साथ जाएंगे अल्टीमेटली ये भी श्योर नहीं है। अगर मान लीजिए 285 से इंडिया गठबंधन थोड़ा कम होता है, मान लीजिए 260 हो जाता है, एनडीए 240 रहती है, तब फिर इन लोगों का रोल, नवीन पटनायक का, तेलुगु देशम का, ये किधर जाएंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक चीज हो जाती है। और इंडिया अलायंस के साथ जो सबसे बड़ी जो एक पॉजिटिव चीज है, उसके एलाइज स्ट्रांग है और उसके एलाइज इस बार टूटेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों ने एक ही नैरेटिव पे चुनाव लड़ा है, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक ही नैरेटिव पे चुनाव लड़ा है। संविधान खतरे में है, नौकरियां खतरे में है, देश खतरे में है, नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व जो है उसने देश को बर्बाद कर दिया है।